Morning, my friends. My name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info Bharati. Today, my topic is आसान कंट्रियाँ कौन सी है जिसमें वीज़ा आराम से मिल जाए, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल आए कि सर यूरोप में भी कुछ ऐसी कंट्री हैं जिसमें आराम से वीज़ा मिल जाए और किसी डिप्लोमा डिग्री की जरूरत ना पड़े, वर्क परमिट आसानी से मिल जाए, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है। सो मैंने इंटरनेट से सर्च करी है ये इन्फॉर्मेशन और आपको मैं आज देने वाला हूँ। सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, जो सेंगेन वीज़ा होता है जो 15 दिन का मैक्सिमम मिलता है, आप वहाँ से भी जाके एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको सेंगेन वीज़ा नहीं मिल रहा है, दूसरा तरीका है आप स्टूडेंट वीज़ा भी किसी कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज 28 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जाकर वीज़ा ले सकते हैं लोकल लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट में किसी में भी, और आप वहाँ जाके एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको वहाँ फार्मिंग की जॉब आराम से मिल जाती है, सिक्योरिटीज़ की जॉब मिल जाती है, किसी फैक्ट्री में काम करने की जॉब मिल जाती है। मोस्टली अगर जो कंट्री की बात करें, जो ईजी कंट्रीज़ हैं जो मैंने इंटरनेट से सर्च करी है, लाइक पोर्चुगल, ग्रीस, एस्टोनिया एंड पोलैंड, लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं इसकी इकनॉमी अभी ग्रो कर रही है लेकिन ये यूनियन का मेंबर है। अगर पोर्चुगल की बात करें, काफ़ी सारे अपने इंडियन भाई हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और पोर्चुगल में तो अगर आपके पास लीगल एंट्री है आप वहाँ जाके आराम से वर्क परमिट ले सकते हैं। आप अपनी इनकम टैक्स 3 या 4 साल का भरें, आप अपने आराम से उधर के पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ियों को सक्सेस भी मिली है लेकिन लीगल एंट्री होनी चाहिए। सो अगर आप सेंगेन वीज़ा है, आप पुर्तगाल में एंट्री करें, लीगल एंट्री मतलब जो आपके वो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एस्टोनिया है, ग्रीस है, पोलैंड है, पोलैंड में भी काफ़ी इंडियंस ग्रुप है। मोस्टली मैंने इंडियंस को देखा है जो स्टूडेंट्स हैं उधर पोलैंड में, और वो अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेते हैं या बिजनेस वीज़ा लेते हैं और अपनी वहाँ बिजनेस सेटल कर रहे हैं। और उसकी एक खासियत, अगर आप पोलैंड और पुर्तगाल में, आप पूरे यूरोप में आप ट्रेवल कर सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये अच्छी कंट्रीज़ हैं। आप मेरे हिसाब से अगर जैसे लाइक फ्रांस, जर्मनी, इसमें टफ हो रहा है वीज़ा, लेकिन इन कंट्रियों के द्वारा आप और भी कंट्रियों का इन्जॉयमेंट और जिसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो अगर आपको ग्रीस का, जर्मनी का वीज़ा, जैसे जर्मनी का वीज़ा नहीं मिल रहा है, फ्रांस का वीज़ा नहीं मिल रहा है, सो आप पोर्चुगल का वीज़ा ले सकते हैं, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं, और जैसे लाइक पोलैंड का वीज़ा ले सकते हैं और उसके बाद भी और कंट्री में मूव कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। सो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ आप और भी यूट्यूब चैनल देख लिया करो ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। या इन्फॉर्मेशन देने में कुछ नहीं जाता, आप यूट्यूब वीडियो देखो जो उन्होंने बना रखी है, वो इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनकी इन्फॉर्मेशन को मैच कर सकते हैं और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स वेरी मच।